हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम उपाध्याय एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया था, और अब हम 51 से आगे 10 क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन होगा। और आई होप कि आपने जो भी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उनको एक अपनी शीट पे नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, उनको मेमोराइज कीजिए और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और किसी सोर्स से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो हम देखते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इज। ओके, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन था। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान नहीं दिए कि वन मोल लिखा हुआ होगा और लिखा हुआ है, और आप लोगों ने क्या किया कि वन मॉलिक्यूल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ के टी वो लगा दिया। तो वो मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल के केस में होता है, और मोल के केस में ये डिफरेंट हो जाता है, ये हाफ आर टी हो जाता है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले एक पार्टीशन जो थ्योरम होता है वो कहता है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी होता है। ओके, हाफ के टी हो गया। अब यहाँ पे ये तो पर मॉलिक्यूल हुआ, अब यहाँ पे वन मोल की बात कर रहे हैं। देन इन ए वन मोल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एन ए एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो यहाँ पे ईच ऑफ वन मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, एन ए मल्टीप्लाइड बाई हाफ के टी, एन ए मल्टीप्लाइड बाई के, ये क्या होता है आर। ओके, तो गैस कॉन्स्टेंट आर होता है, आर लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा हाफ आर टी, ये पर मोल में आया है और हाफ के टी पर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है, डायरेक्टली पढ़ के क्वेश्चन को टिक नहीं करना है। ये क्वेश्चन इसीलिए ही दिया गया था ताकि आप इसमें गलती करें। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे पर मोल दिया है और आप लगा के आए होंगे मॉलिक्यूल वाला। ओके, तो हाफ आर टी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 52, ये प्रॉब्लम नंबर हमें दे रखा है, ए 200 mm लॉन्ग पोलारीमीटर ट्यूब कंटेनिंग 48 cm³ ऑफ शुगर सेक्शन प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 11 डिग्री व्हेन प्लेस्ड इन ए पोलारीमीटर एंड इन फ्रंट ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, इफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 66 डिग्री। ओके, तो जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें एक स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है 66 डिग्री का। अब इन्होंने पूछा है द अमाउंट ऑफ शुगर कंटेन इन द ट्यूब इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज। ओके, तो हमको सिंपली इस कैलकुलेशन को करने के लिए कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होगा, और कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके उसको हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमें ये जो भी अमाउंट है शुगर का वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा था, स्पेसिफिक रोटेशन को मैंने डायरेक्टली डेसीमीटर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, तो ये 66 डिग्री पर डेसीमीटर केजी पर केजी मीटर -3 × 10⁻³। इसमें कन्वर्ट किया है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया है, और जो ट्यूब का लेंथ दे रखा था वो 200 mm दे रखा था, इसको भी हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.2 डेसीमीटर आ जाएगा। और इसी के साथ साथ हमें थीटा भी दे रखा था, जो ऑप्टिकल रोटेशन था वो 11 डिग्री दिया हुआ है। तो ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल्स टू एस एल सी, ये फॉर्मूला होता है। सी इज द कंसनट्रेशन, यहाँ से कंसनट्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यूज को 1 by 1 पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, 11 / 66, ये पार्ट हमने यहाँ पे पुट किया, और यहाँ से हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगा 1 by 12 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। ये हमें कंसंट्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए, और अमाउंट ऑफ शुगर, तो उसके लिए इस कंसंट्रेशन में डायरेक्टली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम हमें दे रखा था 48 cm³, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²³³ इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हमारा मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये मीटर क्यूब, मीटर इनवर्स माइनस क्यूब जो था वो
कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो मास और अमाउंट आ जाएगा 4 × 10⁻³ kg, और 4 ग्राम, और 4 ग्राम हमें दे रखा था हमारे ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके, तो ये सॉल्यूशन भी हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। और 53 क्वेश्चन नंबर, फॉर ए गिवेन मटेरियल द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल इज। ओके, तो सिंपल हमें यहाँ क्या करना है, पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस रिजिडिटी में जो रिलेशनशिप होता है उसको यूज करना है। और वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप ये होता है, मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस सिग्मा, सिग्मा इज द पॉइजन्स रेशियो। यहाँ पे हमें दे रखा था कि जो यंग्स मॉडुलस है वो 2.4 टाइम्स है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, हमने वही यूज़ किया। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया तो ईटा और ईटा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 24 / 20, 2.42, तो पॉइंट कैंसिल कर देंगे और 20 कर देंगे इसको, और इसके बाद डिवाइड करवा देंगे 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हमारा 6/5 आ जाएगा, और सिग्मा जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। पॉइजन्स रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए इसका आंसर 0.2 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। द क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, ग्लास टू एयर, ग्लास टू वाटर एंड एयर टू वाटर। तो ये इस पेपर का थर्ड क्वेश्चन है जो क्रिटिकल एंगल से रिलेट करके आया है। आप देख सकते हैं इससे पहले 2 क्वेश्चन और थे, मुझे याद है, आपको याद हो या ना हो आपको भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये नेसेसरी है, अगर याद नहीं रखेंगे तो आप पढ़ के क्या जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी कि सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इन तीनों को ही जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको किसी भी इंटरनेट सोर्स और बुक को प्रेफर करना होगा, वहाँ से आप ये वैल्यूज ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। वैसे मैंने भी यहाँ पे लिख रखी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, अगर लाइट किसी मीडियम N2 से N1 में ट्रेवल करे तब क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ साइन इज इक्वल्स इनवर्स ऑफ साइन N1/N2। ओके, तो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के लिए वो 1 होता है, वाटर के लिए 1.33 होता है, एंड ग्लास के लिए 1.5 होता है। यहाँ पे एक आर मिसिंग था। ओके, तो वाटर के लिए ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि N1/N2 जो रेशियो है किसके लिए ज़्यादा है होगा, ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ओके, तो जो 1 होता है वो 90 डिग्री पे होता है। जब 90 डिग्री पे होगा तो जो वैल्यू 90 डिग्री के नियर होगी उसी के लिए, और 1 के नियर होगी उसी के लिए हमें क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम मिलेगा। तो हमने यहाँ देख सकते हैं आप, हमने यहाँ कैलकुलेट किया, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि वाटर एंड ग्लासेस, जो ग्लास था उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो सबसे ज़्यादा 0.886 आया। ओके, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल भी मैक्सिमम होगा, और ये जो मीडियम है वो ग्लास टू वाटर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। 55 में सेंट्रल फोर्स मोशन से रिलेट करके पूछा गया है, और इसमें पूछा है
इन सेंट्रल फोर्स मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व। ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें टोटल एनर्जी पे भी डाउट था कि टोटल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी। हाँ बिल्कुल होगी, पर मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम ही होगा। ओके, तो राइट आंसर इज एंगुलर मोमेंटम और ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 56 हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बीइंग यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग। ओके, तो कुछ सर्किट होते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट होते हैं हमारे, जो हमें इम्पीडेंस मैचिंग में यूज करते हैं, और उसमें जो बेसिक है हमारा वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, उसको हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग में यूज करते हैं, और इसको हम सिंपली वफर भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर तो सी हो जाएगा, पर मैंने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें भी लिख रखी हैं, आप उन्हें मेमोराइज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इनपुट रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ कॉमन इमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर के केस में क्या क्या रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं। मैं ये शो कर दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी करंट गेन पूछ लिया जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो करंट गेन याद कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ फेज शिफ्ट जो होता है वो भी पूछ लिया जाता है कि किस में फेज शिफ्ट चेंज होता है। ये फेज शिफ्ट इनपुट एंड आउटपुट के लिए होता है कि इनपुट आउटपुट कितने फेज से चेंज हो रहा है। तो कॉमन इमिटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है, बाकी कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आता है। ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वोल्टेज बफर, इम्पीडेंस मैचिंग, ये क्वेश्चन आया था, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, तो एप्लीकेशंस भी लिख रखे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कॉमन इमिटर का पूछ लिया जाए या कॉमन बेस का पूछ लिया जाए, इसीलिए इस टेबल को आप लिख लीजिए और हो सके तो मेमोराइज कर लीजिए, और कई बार पढ़ेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 56 था और इसका सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर सी था, राइट आंसर हमारा मिल गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए बैड कंडक्टर इज मेजर्ड बाय। ओके, तो एक मेथड होता है लीज डिस्क मेथड, इसके इससे हम लोग जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वेट कंडक्टर्स होता है वो मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 जब ये एग्जाम में आया था तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि इसका एक्चुअल वैल्यू तो दे ही नहीं रखा है, हम लोग इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली देखिए यहाँ पे जो लेंथ दे रखा है वो हमने मेजर्ड किया 1.526 मीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मेजर किया है, तो जाहिर सी बात है कि मीटर स्केल का यूज़ किया होगा। जब मीटर स्केल का यूज़ किया होगा तो मीटर स्केल के पास अपना एक लीस्ट काउंट होता है, तो लीस्ट काउंट ही क्या हो जाएगा, हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो हमने वही लिखा, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 0.001 मीटर। तो जब इतना लीस्ट काउंट है तो एब्सोल्यूट एरर भी 0.001 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक दिमाग लगाया कि रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर एंड एक्चुअल वैल्यू में एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को यूज करते हुए हमने रिलेटिव एरर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और हमारा रिलेटिव एरर आ गया है 0.00065। ये रिलेटिव एरर हमें मिल गया। ओके, तो अब तक इतनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन और ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। देख लेते हैं, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज एरर भी मिल जाएगा, और ये तीनों ही वैल्यू हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखी थी, और ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और बहुत सारे थे उन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं करवाया था, कंफ्यूजन में थे कि कैसे करेंगे, तो मैंने आज इसको
इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया है, आप इसे एक बार ध्यान से देख लेंगे और एक बार इसके बारे में सोचेंगे कि क्या और कैसे हुआ। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 59 होगा। ओके, ये देखते हैं, यह 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है ये। नेक्स्ट इसका एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट हमें कह रहा है, एन आयरन प्लेट 2 सेंटीमीटर थिक हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। इट्स वन साइड इज एट 110 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर साइड इज एट 100 डिग्री सी। एक थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन दे रखी है, कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सी। द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द प्लेट इज। ओके, तो रेट ऑफ हीट फ्लो हमें बताना है कि प्लेट से जो हीट फ्लो होगा पर सेकेंड वो क्या होगा। ओके, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का यूज करते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए प्लेट और ए मटेरियल इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी के सफिक्स टी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दैट मटेरियल और दैट प्लेट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ओके, तो ये हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे हम लोग वन बाई वन वैल्यूज को पुट करेंगे। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप खुद देख रहे हैं, मैंने इंटेंशनली इनका डायमेंशन यहाँ किसका क्या यूनिट है पुट किया हुआ है, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में ना आए कि डायमेंशन एनालिसिस यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कैलोरी एंड सेकंड बचेगा। सेकंड इसकी वजह से आएगा, डेल्टा टी जो हमने डिवाइड में लिखा है उसकी वजह से आना है। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2875 कैलोरी पर सेकेंड। ओके, तो इतना हमें मिला और ये ऑप्शन हमें दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। हमने क्वेश्चन नंबर 59 का सॉल्यूशन देखा, एक अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बस कैलकुलेशंस करनी थी, कैलकुलेशंस आनी चाहिए, फास्ट कैलकुलेटर की तरह आपको वर्क करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 60। ओके, तो ये प्रॉब्लम इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। स्टेटमेंट हमें दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू 5 sin 0.2 pi t + 0.5 pi। द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जर्नल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लिख लेते हैं, और ये होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, तो डेल्टा जो है हमारा वो फेज है। इसके साथ साथ हमें दे रखा है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो भी लिख लेंगे और कंपेरिजन करवा देंगे। जब कंपैरिजन करवाएंगे तो ओमेगा का वैल्यू हमें मिल जाएगा और 0.2 pi मिलेगा। ओमेगा एंड टाइम पीरियड में एक रिलेशनशिप होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 pi डिवाइड बाई ओमेगा। इस रिलेशनशिप की हेल्प से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो 10 सेकेंड्स आएगा, और ये आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो आज मैंने प्रॉब्लम नंबर 60 तक डिस्कस किया। अब आप लोग एक प्रॉब्लम होमवर्क के लिए ले जाएंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे क्या सॉल्यूशन होगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।